दिस इज़ DBMS क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछा गया है नेट की एग्ज़ाम में दिसंबर 2014 की पेपर टू में। क्वेश्चन ऐसा है, आइडेंटिफाई द मिनिमल की फॉर रिलेशन स्कीम ए बी सी डी ई विथ फंक्शनल डिपेंडेंसी। यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट दिया गया है और इन्होंने कहा है कि क्या आइडेंटिफाई करना है। इस रिलेशनशिप में की एट्रीब्यूट को हमें आइडेंटिफाई करना है, मिनिमल की को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले की वो एट्रीब्यूट होते हैं या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट होते हैं जिससे आप एंटायर रिलेशन को सर्च कर सको, एंटायर रिकॉर्ड को आप सर्च कर सको। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए की एट्रीब्यूट है या नहीं है। तो ए से आपको बी मिल रहा है, बी से आपको सी मिल रहा है, मतलब ए से आप सी डिराइव कर सकते हो, और ए सी से आपको डी मिल रहा है, मतलब आप डी बी सर्च कर सकते हो, बट ई ई आपको नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर जो ई है, यहाँ पर ई डिराइव करने के लिए कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं दी गई है, तो इस ई को आप ए के साथ कंबाइन कर सकते हो, ए ई, और ए से आपको बी सी डी मिल सकता है, मतलब आप एंटायर रिलेशनशिप को डिराइव कर सकते हो। आप ए सी से डी डिराइव कर सकते हो, और डी से कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, तो ए सी आपकी की नहीं हो सकती है। तो इस ऑप्शन में ए ई करेक्ट है, और इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन ए था ए, ऑप्शन बी था ए ई, ऑप्शन सी बी ई, और ऑप्शन डी सी। तो एक रिलेशन में एक से ज़्यादा की हो सकते हैं, बट मिनिमल की आपका कैंडिडेट की होता है, और की माने वो एट्रीब्यूट या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट जो एंटायर रिलेशन को डिराइव करे या फिर एंटायर रिलेशन को सर्च करे। मतलब अगर आपको ए बी एज अ की दिया गया है, तो ए बी से आप जितने भी एट्रीब्यूट उस रिलेशनशिप के अंदर है उसको आप सर्च कर पाओ, तो वो आपका की होगा। तो की जितना छोटा हो रिलेशन में वो आपका कैंडिडेट की रहेगा। तो उन्होंने मिनिमल की मतलब कैंडिडेट की को सर्च करने के लिए कहा था, तो ए ई करेक्ट ऑप्शन है।